प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना वायरस की जांच के लिए बनाए गए लैब की स्थिति का जायजा लिया। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में AD हेल्थ के अलावा CMO डॉक्टर SK तिवारी, SIC आनंद प्रकाश श्रीवास्तव सहित संबंधित चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव ने कोरोना के होने वाले जाँच में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि जाँच में कोई भी कोताही न बरती जाए। अगर 6 दिन संबोधित करेंगे, बहुत सारी जो महत्वपूर्ण बातें माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक में आई है उसके विषय में भी आपको दिशा निर्देश देंगे। लेकिन उसके पहले एक बात जो अभी मैं चर्चा कर रहा था आप लोगों से, ये बात आई वहाँ बैठक में, किसी ने, किसी वरिष्ठ अधिकारी ने फीडबैक दिया कि आशा जाती है तो वो टर्मोमीटर हाथ वाला लेके जाती है, उससे वो टेम्परेचर लेती हैं और उसके कारण से उनको उनमें झिझक है। तो ये तो प्रोटोकॉल में कहीं कहा ही नहीं है कि आशा अगर गाँव का से जाएगी घर पर पूछने तो उसमें वो थर्मोमीटर से टेम्परेचर लेगी, तो कहीं नहीं कहा गया है। तो आप लोगों को ये सुनिश्चित करना है कि आप एक बार ये मैसेज क्लियर कर दें। देखिए जो अभी आप तमाम देख रहे होंगे, तमाम जिलों में खास करके जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले हैं उसमें जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, रिपोर्ट आ रही है मुंबई और सूरत और काफी हद तक दिल्ली भी, ये 3 ऐसी जगह हैं जहां पर की काफी इंफेक्शन के केसेस यहां से आ रहे हैं। जिनको आप होम क्वारंटाइन में भेज रहे हैं उनके भी रैंडम बेसिस पर कुछ लोगों के सैंपल जरूर लिए जाएं, बिना लक्षण वाले लोग सैंपल जरूर लिए जाएं और उसको पूल सैंपल के लिए आप अलग बॉक्स में रखेंगे जिसमें कि आप पूल सैंपल का तो आप जो है आपको अभी नंबर्स बढ़ाने नहीं है, आप जिस लेवल पर देख रहे हैं उस लेवल पर भेजिए ताकि 1-2 दिन में जो बैकलॉग हमारा था वो क्लियर हो जाए। उसके बाद आप नेक्स्ट वीक में बताएंगे कभी सोमवार मंगलवार से कितना आपको बढ़ाना है। अब इसको हम सैंपल्स का जो नंबर है उसको हम थोड़ा बढ़वाएंगे, एक बार स्टेबलाइज हो जाए तो 10-10 का पूल कर सके, उनकी क्षमता हमको आगे लग जाए फिर आपको उनका बताएं। लेकिन आप जो आप सैंपल्स ले रहे हैं उसमें जो भी माइग्रेंट लेबर्स आ रहे हैं उनका आप सैंपल लेना शुरू कर दिए, दूसरी बात यह है कि डिस्चार्ज पॉलिसी कुछ भी है ये आपने बता दिया आपको, डिस्चार्ज पॉलिसी बदल गई है और आप लोगों ने